हाय गाइस, वेलकम बैक पम्मी की दुनिया व्लॉग में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे दोनों नए जोड़े यानी मेरे देवर और देवरानी बैठे हुए मंदिर में। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए इसलिए कि हम यहाँ पे इन दोनों के साथ भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे पता है कि आप लोग हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ, मेरे कपल्स के साथ हमेशा बनाए रखोगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो मेरी देवरानी मेरे घर आ गई। तो यहाँ एक्चुअली में हो रही है एक रस्म, जो मैं आपको आगे बताऊँगी कि कौन सी रस्म हो रही है। वो दही वाली रस्म मैंने तो आपको बताया था कि दही वाली रस्म कौन सी है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो रही है घर भरने की रस्म। यहाँ पे जो माँ है वो बहू के हाथ में चावल देंगी और दोनों जोड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े, यानी नीचे अमित का हाथ रहेगा, उसके ऊपर ऋचा का हाथ रहेगा, और ऋचा के हाथ में रहेगी चावल, और चावल को जोर से पीछे फेंकते हैं। तो यहाँ हो रही है घर भरने की रस्म, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रस्म लगती है। तो पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, तो यहाँ पे ये रस्म स्टार्ट हो गई है। और क्या बोलते हैं इसमें, शायद कि किसका घर भर रहे हो, तो बोला जाता है अपने हम अपने पेरेंट्स का घर भर है ऐसे। तो पेरेंट्स में हमारे दोनों पेरेंट्स आ जाते हैं, मायके वाले भी ससुराल वाले भी, ऐसा करके चावल को पीछे फेंका जा रहा है। तो काफ़ी मज़ा आता है इस रिवाज में। और मुझे पता है कि आपके यहाँ भी कुछ कुछ ऐसी रस्म होती होंगी, तो आप लोग कमेंट करके बताने कि आपके यहाँ ये रस्म होती है कि नहीं होती। तो गाइस, शादी निपट चुकी है, अच्छे से शादी हो गई, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत खुशी खुशी हो गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि शादी की भाग दौड़ में मैं पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी कुछ ओकेजन आता है तो उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ वुमेंस क्या करती है, स्किन का पूरा ख्याल रखती है मेरे। लेकिन मेरे साथ हमेशा ही उल्टा होता है कि मैं पहले तो रखती हूँ लेकिन ऐसे में उसमें उलझ जाती हूँ कि मैं बिल्कुल स्किन केयर करना ही भूल जाती हूँ। तो सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा कुछ कर लूँ अपने चेहरे के ऊपर, चेहरा बिल्कुल अजीब सा डल लगा है, मैंने लिपस्टिक लगा ली, इससे थोड़ा सा ब्राइट लग रही है आपकी भाभी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, तो अभी मैं फटाफट जाती हूँ, मैं कुछ अपने चेहरे की स्किन केयर करके आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, ये तीन प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ आज की स्किन केयर में, जो कि काफ़ी अच्छा, मैं पहले भी यूज़ की हूँ और हमेशा ही करती हूँ, बहुत सही चीज़ स्किन केयर के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी वाओ का ये एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश, और इसमें सबसे बेस्ट बात इसका इनबिल्ट सिलिकॉन ब्रिसल्स है, जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने में आपका हेल्प करता है। एक और खास बात ये भी है कि ये लॉक और अनलॉक सिस्टम है, तो काफ़ी अच्छा है। इस फेस वॉश में एलोवेरा है, ग्रीन टी है, कुकुम्बर है, जो आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाकर आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखेगा। ये आपकी स्किन के डलनेस को भी दूर करेगा और डेड स्किन को हटाने में भी मदद करेगा। इसको लगाना काफ़ी ईजी है, इसको हल्का सा स्क्विज करने से इसका छोटा सा अमाउंट जेल का बाहर आ जाएगा, और ब्रश की हेल्प से आप अपने स्किन पे इसको सर्कुलर मोशन में लगाएं। इसके बाद आपको अपने चेहरे को प्लेन वाटर से वॉश कर लेना, इसके बाद आप इसका रिजल्ट देखोगे, आपकी स्किन बिल्कुल नरिशिंग और ग्लोइंग हो जाएगी, काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट होता है। इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी वाओ का एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क। ये पील ऑफ मास्क आपकी स्किन से डेड सेल्स, ब्लैक हेड्स और ड्राइनेस को हटाने में काफ़ी हेल्प करता है, और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। थोड़ा सा इसका अमाउंट अपने चेहरे पर अप्लाई करें और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, और सूखने के बाद इसको पील ऑफ कर लें। इसमें प्रो विटामिन B5 है, जो आपकी स्किन के हाइपरपिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स और ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करेगा। इसके बाद आपकी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग नजर आएगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी वाओ का ये लिप्टन फार्म एलोवेरा जेल, और इसका जो डबल रोलर है जो आपकी चिक, नेक और जॉ लाइन फॉर्मिंग करेगा। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली इसको रोटेट कर दे और ये अनलॉक हो जाएगा, एंड देन इसको स्क्विज कर दे, और इसके बाद इसमें से इसका एलोवेरा जेल बाहर आ जाएगा। इसको सिंपली अपनी स्किन पर मसाज करें, डबल रोलर की हेल्प से मसाज करने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके हेल्प से आपकी स्किन डीप हाइड्रेट हो जाती है और आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो जाती है। इसके साथ इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट भी है, जो कि हेल्प करता है फाइन लाइन को कम करने में। इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट हर टाइप वालों के लिए सुटेबल है। इन सारे प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है, जैसे कि पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन, आर्टिफिशियल कलर भी ऐड नहीं है। वाओ के सारे प्रोडक्ट्स प्लांट बेस्ड मेथड से बने, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर मिठाई की डब्बे खुल चुके हैं, और पापा मुझे बुलाया कि तुम देख लो तुम्हें कौन सा मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है। भाई, मुझे तो नारियल की बर्फी इतनी पसंद आ रही थी येलो वाली, कि मैं वो डब्बा ही लेकर भागी और साथ में मटरी के पैकेट लेकर भागी। हाँ, मेरे बहुत बड़ी बच्ची हो, भगवान की तरफ से मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, और
बड़े प्रणाम छोटे का आशीर्वाद घर भर के, और शादी अच्छा से हो गया, निपट गया, और जो भी घर में ही बनवा के दिए हैं, जो इधर थोड़ा रखे हैं थोड़ा और ऊपर अपने ही देवरानी जेठानी में मिल बैठ के खाएंगे। अब तक कोई देता ही नहीं मिठाई, चाहे कोई कोरोना में थे, वो जैसे किसी को नहीं देना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वेरी वेरी नाइस, सब सो रहे हैं, हम लोग थक गए, सकल देख रहे हैं कैसा लग रहा है, सुबह भी थोड़ा सा बनाए नियम के लिए, फिर दोबारा बनाए। आज मेरी छोटी देवरानी जा रही है अपनी मायके में, उनके मायके वाले आएंगे कुछ देर में, तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। ज्यादा क्या रेडी होने, आप देख सकते जो भी हल्का फुल्का मैंने टचअप कर लिया, और मेहंदी देखो लाल से पीली होगी बिल्कुल, अब कलर निकल रहा है हर मेहंदी का। पता नहीं क्यों जब निकलता है ना तो अजीब सा हाथ से ऐसे लगते हैं ना फट गया, लेकिन फटा नहीं होता है ना, सभी बोल रहे मेहंदी निकलता है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो रहा है, पहले तो टाइम लगता था निकलता भी तो ऐसे नहीं, अब ये देखो पपड़ी जैसा निकलता है। अभी सारे लोग नहा के नीचे पहुँच गए, मेरी देवरानी के पेरेंट्स आए वहाँ पे, भाई बहन हो, तो अभी मैं भी जा रही हूँ नीचे। मैं ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया, जाऊँ ब्रेकफास्ट करूँगी, और सामान अभी भी साड़ी का जो साड़ी वगैरह मैंने अभी वॉश नहीं किया, यहाँ पे रखा हुआ है, अब देख सकती हैं यहाँ पे मेरा और आयुषी का कपड़ा रखा हुआ है, तो इसको मैं वॉश करके थोड़ी देर ड्राई क्लीन कराऊँगी, फिर कुछ टाइम के लिए पहनी तो ड्राई क्लीन नहीं कराऊँगी मैं इसको, ऐसे ईजी में हल्का सा डिप करके निकाल दूँगी, फिर इसको पैक करके रख दूँगी। तो अभी फटाफट मैं जा रही हूँ नीचे, और सबको बुरी तरह से हरासमेंट हो रखा है, बहुत ज़्यादा सब थके हुए हैं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रहा है ज़्यादा ऊपर नीचे करने की, सब जो जहाँ बैठा वहीं बैठा रह जाओ, क्योंकि पता ही आपको कि शादी की जो भागदौड़ होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली होती है। तो जो भी है शादी अच्छे से निपट गई, खुशी खुशी निपट गई आप सबके आशीर्वाद से। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे और उनसे मिलती हूँ, और सबसे पहले मैं करूँगी पेट पूजा, फिर मैं काम कोई करूँगी दूजा, है ना गुनू। चलिए, हेलो बच्चों, बहुत बेटी बच्चों, भगवान की तरफ से आप लोग बहुत भरभर का आशीर्वाद, और आज बहू जाएगी मिलने के लिए, जाएगी अपने मम्मी पापा से भाई से, जब लड़की आती है थोड़ा लगता है अजीब से, पर हाँ इसीलिए भेज रहे हैं मिलने के लिए, यह है कि लवन है इसीलिए जाना आना अच्छा होता है, जाओ चार पाँच दिन बाद आजे आजे नहीं नहीं पंडित जी ने वो वचन दिए हैं, भेजेंगे नहीं, सारे घर के लोग है, सारे हमारे घर के लोग है, भाई लेंगे उनका वो तो बहन है, तो मेरे लिए सब कंफ्यूज होते हैं, हाँ बोलते हैं ना कि यही चाहिए तिलक बोले वो आई है, और बच्चन ये बहन है, और ये देख लो थोड़ा अलग अलग यहाँ पर मैं और मेरी दीदी देवरानी आ गए, हम दोनों खाना निकालने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो जब जा रहे तो लंच करा ही देते, वैसे वो लोग मना कर देते नहीं खाना है, पेट भरा पड़ा है, मैंने नहीं भाई खा कर तो जाना ही पड़ेगा। तो हम दोनों लोग आ गए थे खाना निकालने के लिए, और यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी देखने के लिए खाना ठीक से निकाल रहे कि नहीं, क्योंकि देखो कितना भी हम सीख रहे लेकिन माँ का तो काम है बच्चों को सिखाना, और खुशी खुशी सीखना भी चाहिए, माँ जब सिखाती है तो, और मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर ऋचा को साड़ी पहनाने के लिए, क्योंकि उसको हेल्प की ज़रूरत थी, और मुझे अच्छा भी लगता है यार सबको साड़ी पहनाना। आपने देखा होगा कि मैं अपनी सासू माँ को भी साड़ी पहनाती हूँ, कोई कोई काम किसी इंसान को अच्छा लगता है, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए आ गई, और इसके चेहरे की खुशी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खुश है,
और मेरी देवरानी बड़ी सुंदर है यार, पूछो ही। और आप सोचोगे कि मैं ये कर क्या रही हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं आपको उसके मायके भेजने के लिए मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, और देख सकते हो कि रेड साड़ी उसमें कितनी जच रही है। अभी मेरी देवरानी जा रही है, भेजने का मन नहीं कर रहा, जा रही है 2 घंटे के लिए, मन नहीं कर रहा। जल्दी आना ठीक है। हाँ। और आप ही तो आओगे लेने? हाँ, मैं भी आऊंगी। हाँ, और आशा भी जाएगी। हाँ, मैं और दीदी देखते दोनों में से कोई एक जाएगी, फिर दोनों ही निकल लेंगे, दोनों जाएंगे और आ जाएंगे हम लोग, एक कोई बच्चा चला जाएगा, अमित, मैं और दीदी, या फिर तो कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रही है मेरी देवरानी, नजर ना लगी काले टीका ला। चलो अभी हम इसकी विदाई करने जा रहे हैं। हाँ, ससुराल से विदाई। हाँ, अभी खुशा बनेंगे ना। हाँ, अच्छा मैंने अच्छा बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर मेरी देवरानी अपनी मायके जाने के लिए रेडी हो चुकी है और सबसे आशीर्वाद ले रही है। तो मन तो नहीं कर रहा था उसको भेजने का, और 2 ही दिन में उसे इतना लगा हो गया कि पूछो हिम्मत, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। घर में आने के बाद एक रौनक सी हो गई थी, लेकिन जो रस्म है उसको तो निभानी है ही। तो यहाँ पे उसकी बहन और उसकी बहन की बेटी भाई तो बहुत ज़्यादा खुश है, हम लोग ऋचा को पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे ऋचा वापस आ गई, 2-3 घंटे के लिए गई थी, उसी में लग रहा था घर कितना सुना हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जब आई तो सारे खुश हो गए कि चलो ऋचा वापस आ गई। तो यहाँ पे वो आने के बाद सबका पैर छू रही है, सबसे आशीर्वाद ले रही है, और बहुत ज़्यादा वो मम्मी के चेहरे पे कितनी ज़्यादा खुशी है, हम सब के चेहरे पे कि चलो ऋचा वापस आ गई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैं ब्लॉग एंड करी क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।